जापान की फास्टर हाई स्पीड रेल शिकानसेन के अंदर कुछ ऐसे स्लैब ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर 1% भी कंक्रीट यूज नहीं होती है, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टेक्नोलॉजी फॉर द बुलेट ट्रेन। और अब ये टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की गई है जापान के द्वारा, जो कि भारत के लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी होने वाली है, जो कि भारत के किसी रेलवे प्रोजेक्ट में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है। और इससे भारत में चल रहे बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन वर्क को काफी ज्यादा इजी और फास्ट बनाया जा सकेगा। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज की यहां पर इस काम को मेक इन इंडिया मिशन के अंडर में किया जाएगा, क्योंकि जापान रेलवेज ट्रैक कंसल्टेंसी ने एक डिटेल और डिजाइनिंग ड्राइंग प्रोजेक्ट को शेयर करने का वादा किया है, जहां पर इस्तेमाल किया जाएगा हाई स्पीड रेल ट्रैक कंपोनेंट्स लाइक आरसी ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब अरेंजमेंट एंड कंटिन्यूस वेल्डेड रेल, जो कि भारत में इरकॉन को शेयर की गई है। और यहाँ पर इस डिजाइनिंग और ड्राइंग टेक्नोलॉजी की मदद से एयरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, जहाँ पर एक बहुत बड़े एग्रीमेंट को साइन किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यहाँ पर मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए NHRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुजरात में वडोदरा और वापी के बीच में बनने वाले 237 किलोमीटर ट्रैक एंड डिजाइनिंग सप्लाई और कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ हाथ मिला लिया है, जहाँ पर डबल लाइन हाई स्पीड रेल ट्रैक को तैयार किया जाएगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। वहीं जापानीज हाई स्पीड रेल ट्रैक के लिए जो स्लैब ट्रैक तैयार किए जाते हैं विदाउट एनी कंक्रीट, ये इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं कि जैसे ही यहाँ इंडिया को इनकी डिजाइनिंग और ड्राइंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, देश के कई और जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स और जो चलने वाली अपकमिंग 151 प्राइवेट ट्रेन हैं, उनकी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, वहां पर भी इन फ्यूचर इन ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रेलवेज की स्पीड को अप करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि इन स्लैब ट्रैक के अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिससे ये बड़े से बड़े वाइब्रेशंस को इजीली हैंडल कर पाती हैं और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सो ये भारत और जापान के बीच होने वाली एक बहुत ही पावरफुल डील है, जिससे हम पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी एडवांस बना पाएंगे। सो भारत में आ रही इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।